आज हम लोग करेंगे होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर का डिटेल रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, वेब होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर के बारे में। एंड इससे पहले मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर वेबसाइट बिल्डर्स का यूज़ किया है, विक्स, ज़ायरो, स्क्वायर स्पेस, काफ़ी सारे लैंडिंग पेजेस का यूज़ किया है। एंड होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर को मैं ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई डू हैव सम एक्सपीरियंस बिफोर मेकिंग दिस रिव्यू। पहले अगर मैं होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर के बारे में बात करूँ तो पहले ये ज़ायरो के नाम से था। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट थे, होस्टिंग और वेब होस्टिंग अलग था, ज़ायरो अलग था। अब दोनों को यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कर दिया है, तो होस्टिंग और वेब होस्टिंग के सर्विस के साथ में ही यहाँ पर आपको होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर भी मिल जाता है। फाइनल वेबसाइट के बारे में बात करूँ जो मैंने बनाई है अभी, तो वो ये है, joygurru.com से मैंने ये बनाई है। एक साइकोथेरेपिस्ट की वेबसाइट है फॉर डेमो पर्पसेस। यहाँ पर हमने एक ब्लॉग भी क्रिएट किया है, कुछ सर्विसेज भी ऐड करी है, जैसे कि इस तरह की जिसको यहाँ पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करी जा सकती है। एंड एक डिजिटल प्रोडक्ट भी यहाँ पर ऐड किया है, तो ई कॉमर्स वाली फंक्शनैलिटी भी है। और बेसिक जो एलिमेंट्स है जैसे कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म एंड बेसिक टेस्टिमोनियल्स वाले फुटर हेडर, इन सब को हमने इस वेबसाइट रिव्यू के लिए यहाँ पर यूज़ करके देखा है। एंड ये वेबसाइट कैसे बनाई है उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, जहाँ पर सारा ट्यूटोरियल मैंने एक्सप्लेन किया है। ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का वो वीडियो है, तो अगर आपको पूरा ट्यूटोरियल देखना है कि कैसे होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर काम करता है A to Z, तो वो वाला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, वो आई बटन पे मैं दे दूंगा। शुरुआत करते हैं इसके इंटरफेस से। जैसे ही आप लोग होस्टिंगर पे लॉगिन करोगे, कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखेगा। वेबसाइट्स पे यहाँ पर चले जाओगे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट्स दिख जाएगी जो आप लोगों ने बनाई है, जैसे ये है जो मैंने यहाँ पर बनाई है। एंड यहाँ से जैसे ही आप लोग एडिट वेबसाइट पर क्लिक करोगे, इनका एडिटर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। टेम्पलेट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्स 150 टेम्पलेट्स देखने को मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, लैंडिंग पेजेस, फोटोग्राफी, बिजनेस शोकेस, ऑनलाइन स्टोर, इन सब की यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएगी। एडिटर के बारे में बात करूँ तो पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट्स, पेजेस, वेबसाइट स्टाइल्स, ये सारे यहाँ पर फंक्शनैलिटीज मिल जाती है। ऊपर यहाँ से हम लोग स्विच कर सकते हैं मोबाइल एंड डेस्कटॉप व्यू पे। एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको सेटिंग्स मिल जाती है। और इंटरफेस के बारे में बात करूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है, आप लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे पीछे आपको ग्रिड्स भी दिख जाती है एंड ये स्नैप भी हो जाता है। उसी तरीके से मोबाइल में अगर आपको एडिट करना है तो मोबाइल में भी इसी तरीके से यहाँ पर एडिटर इसका काम करता है। जो मोबाइल पे चेंजेस होंगे वो आपके डेस्कटॉप पे नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल में इसको इतना ऊपर कर दूँ एंड वापस इफ आई गो टू डेस्कटॉप, तो उतना ही रहेगा एंड मोबाइल पे ऐसा रहेगा। तो मोबाइल और डेस्कटॉप के चेंजेस अलग अलग होते हैं। पेजेस एंड नेविगेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से हम लोग हमारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड पेजेस है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट प्री डिफाइंड पेजेस, तो इन टेम्पलेट्स का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, या फिर यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी पेज ऑल्सो, कुछ इस तरीके से। देन ये सेक्शंस में यहाँ पर डिवाइड होता है। ये रहे इसके सेक्शंस। ऐड सेक्शन पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो सेक्शंस यहाँ पर आप लोग प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट्स है उनका भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पेजेस के टेम्पलेट्स ही। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर चाहिए कुछ इमेजेस, तो आई कैन जस्ट यूज़ दिस वन। या इफ़ आई वॉन्ट टू हैव स्लाइड शो, या सोशल आइकन्स, तो आई कैन यूज़ दिस वन। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक एम्प्टी सेक्शन भी कर सकता हूँ, ऐड अ ब्लैंक सेक्शन। एलिमेंट्स के बारे में बात करी जाए तो ये रहे हमारे एलिमेंट्स। यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेराइटीज़ नहीं है। टेक्स्ट है, अगेन यहाँ पर यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ऐड टू बैग वाला यहाँ पर बटन है। इफ़ देयर इज़ एन ई कॉमर्स प्रोडक्ट ऑन दिस पेज, तो यहाँ पर उसको लिंक किया जा सकता है। एंड वीडियो, कॉन्टैक्ट फॉर्म, सोशल आइकन्स, तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको एडवांस एलिमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर वो चाहिए तो स्क्वायर स्पेस की तरफ जाओ, वहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। इमेजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर यू कैन हैव, जैसे मैं चेंज इमेज पे क्लिक करूँगा, रिप्लेस इमेज, तो फ्री इमेजेस आपको मिल जाती है। अनस्प्लैश से यहाँ पर फ्री इमेजेस हैं, तो यू कैन जस्ट सर्च इट एंड अनस्प्लैश की फ्री इमेजेस आपको डायरेक्टली मिल जाती है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू पेज कर देंगे एंड वो आ गई, ये रही हमारी इमेज। स्पीड के बारे में बात करूँ तो मैंने इसको 2 लोकेशन से टेस्ट किया, इंडिया और US से। इंडिया से जो मुझे स्पीड मिली है वो है 2.47 सेकेंड्स, US से जो स्पीड मिली है वो है 2.31 सेकेंड्स। मेरे हिसाब से ये पेज स्पीड काफ़ी अच्छा है, एक तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स भी किया है, ब्लॉग भी किया है, एंड मैंने जितने एलिमेंट्स थे सब डाल दिए इस वेबसाइट के अंदर। उसके बाद भी अगर मुझे under 3 सेकेंड स्पीड मिल रही है फ्रॉम अ वेबसाइट बिल्डर, देन दैट मीन्स इट्स रियली गुड। यही अगर मैं विक्स के ऊपर बनाता हूँ 5 सेकंड के ऊपर तो आराम से चली जाती। तो स्पीड मुझे यहाँ पे ओवरऑल ऑल ओवर द ग्लोब काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो वो अच्छा था, टेक्निकल सपोर्ट इनका अच्छा था। कभी कभार यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सपोर्ट हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। ब्लॉग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ब्लॉग्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस और ये आपका ब्लॉग यहाँ पर ऐसे आ जाता है। ब्लॉग क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, ब्लॉग सेक्शन में सारे यहाँ पे ब्लॉग्स बन जाते हैं। ऐड अ न्यू पोस्ट
एंड देन ये आपका ब्लॉग बन गया है जिसको आप लोग यहाँ पर एडिट कर सकते हो। फॉर इसको एडिट करना है तो यहाँ पे ब्लॉग पे जा करके मुझे यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा, देन सॉरी सेटिंग्स पे क्लिक करना पड़ेगा, देन ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एडिट कर पाऊँगा ऊपर की। और अगर मुझे यहाँ पर नीचे का एडिट करना है तो जैसे हम लोग सेक्शंस डाल के एडिट करते हैं वैसे यहाँ पर एडिट किया जा सकता है ब्लॉग पोस्ट को भी। ई कॉमर्स स्टोर के बारे में बात करूँ तो ई कॉमर्स स्टोर की भी यहाँ पर आपको फंक्शनैलिटी मिल जाती है। जैसे यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है ये एक डिजिटल डाउनलोड है, एंड देन ये जो चीज़ें हैं ये अपॉइंटमेंट है यहाँ पर। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक सेपरेट इंटरफेस दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करूँगा वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दिस इज़ द इंटरफेस टू मैनेज योर ई कॉमर्स स्टोर। यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऐड की अगर मैं कैटेगरीज बताऊँ तो फिजिकल, सर्विस, अपॉइंटमेंट, डोनेशन, डिजिटल, यहाँ पर ये सारे हैं। मैंने फिजिकल, सर्विस, अपॉइंटमेंट और डिजिटल का यूज़ करके देखा है, सब अच्छे से काम कर रहे थे। ये कुछ इस तरह की यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स मिल जाती है। इमेजेस डाल लो, टाइटल डाल लो, क्वांटिटी यू कैन ड्रैग, ऐड और प्राइस वगैरह हैं। एंड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो इस आपको ऑर्डर सेगमेंट में दिख जाएंगे कि किसने क्या ऑर्डर किया है, क्या पेड है, क्या नहीं है, वो सब यहाँ से आपको दिख जाएगा। और अगर अपॉइंटमेंट्स किसी ने यहाँ पर बनाई है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो अपॉइंटमेंट वाला फीचर है ये मुझे नया लगा है, बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर्स में ये नहीं होता है लेकिन इसमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। देन यहाँ पर स्टोर की बेसिक सेटिंग्स हो जाती है। पेमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो पेमेंट यहाँ पर आप लोग स्ट्राइप या फिर पेपाल का ऑप्शन डाल सकते हो, या इफ़ यू वॉन्ट COD या कोई और मेथड तो आप मैनुअली एंटर कर सकते हो। AI टूल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर तीन मेजर AI टूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लोगो मेकर, AI राइटर और AI हीट मैप। लोगो मेकर के बारे में बात करूँ तो यू कैन जस्ट एंटर अ डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने कहा कि टू हेल्प यू स्माइल, ये रहा मेरा नाम और ये रही मेरी इंडस्ट्री। तो जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया इसने मुझे कुछ इस तरह के यहाँ पे लोगोज दे दिए हैं जिसको आई कैन एडिट। ये सब जो आइकन है इसने खुद ने ही यहाँ पर मुझे सर्च करके दिए हैं विच आई कैन यूज़। तो इफ़ यू आर न्यू टू अ वेबसाइट तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है फॉर स्टार्टिंग। यू कैन हैव दिस वन, जैसे मेरे को अगर ये वाला चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा एंड देन आई कैन रिसाइज इट एज पर माई प्रेफरेंस, ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ एंड देन यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फॉर फ्री। अगला जो AI टूल था वो था AI राइटर। AI राइटर मतलब आपको ये जैसे चैट GPT वगैरह हैं तो आप यहाँ पर इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे कि जैसे मुझे होटल्स एंड ट्रैवल्स मेरी इंडस्ट्री है एंड इसके बाद मैं ट्रैवल वाली वेबसाइट है मान लो और मुझे एक अबाउट सेक्शन का पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ पर जनरेट टेक्स्ट पर क्लिक कर सकता हूँ एंड ये मुझे अबाउट ट्रैवल का यहाँ पर टेक्स्ट दे देगा। एक और टूल भी यहाँ पर AI का जैसे ये है तो यहाँ पर AI असिस्ट आ जाता है, आस्क AI टू राइट अबाउट, ठीक है, तो राइट अबाउट थेरेपी एडवांटेजेस, जनरेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये इसने मुझे एडवांटेज दे दिए, थेरेपी कैन ऑफर दिस दिस दिस, पूरा इसने मुझे पैराग्राफ लिख के यहाँ पर दे दिया है। अगला जो था हमारा फीचर AI टूल्स में वो था AI हीट मैप। ये हमें बताता है हमारे पेज में सबसे पहले अटेंशन कौन से पार्ट के ऊपर जाएगी। ये रहा हमारा हीट मैप, तो जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड है मीन सबसे पहले अटेंशन यहाँ पे यूज़र की जाएगी एज पर द AI। अब अगर मैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेज करोगे go.kripeshadwani.com/hostingwp तो यहाँ पर आपको बेस्ट प्राइसिंग इसकी मिलेगी और इसके और भी फायदे वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो दो प्लान्स यहाँ पर वैसे आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं इनके वेब होस्टिंग प्लान पे जाऊँ तो जो इनका वेब होस्टिंग प्लान है इस पर भी यहाँ पर आपको वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है, ये रहा हमारा वेबसाइट बिल्डर। और अगर यहाँ पर आप लोग वेबसाइट बिल्डर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर 149 वाला प्लान मिल जाता है। तो दोनों प्लान के अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये वाला जो प्लान है ये स्टार्ट होता है अप्रॉक्स 2,500 रुपये से। एंड देन यहाँ पर मेरा एक स्पेशल कूपन कोड भी है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ एंड एंटर करूँ कृपेश तो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ये बेस्ट डिस्काउंट कूपन है जो आपको मिलेगा ऑनलाइन एंड अप्रॉक्स आपको 2,000 की मिल जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा वाला इनका प्लान है विच इज़ दिस वन, अगर आपको ये एक साल की चाहिए तो आई विल क्लिक दिस, हैव अ कूपन कोड, आई विल एंटर इट कृपेश, तो इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्स आपको 3,000 की पड़ जाएगी। मेरा जो प्लान था वो ये वाला था 3,000 वाला। एंड जैसे आप लोग वेबसाइट बिल्डर पर जाओगे यहाँ पर आप लोग चूज़ कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक पर जा करके एड टू कार्ट एंड यू विल गेट इट फॉर 3,000 विथ माई कूपन कोड। और एक और बात भी है कि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से लेते हो तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें फ्री में मिलेगी, वो है मेरे खुद के यहाँ पर कोर्सेज। पहला है यहाँ पर होस्टिंगर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पर मैंने बताया कि होस्टिंगर को कैसे ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें होस्टिंगर के बारे में यहाँ पर मैंने बता दी है। इसके बाद वाला जो है वो है ये वाला लाइटनिंग ब्लॉक्स करके मेरा एक कोर्स है जहाँ पर मैंने बताया कि इस तरह का ब्लॉक कैसे बनाना है फॉर फ्री। वैसे इसकी यूजुअल प्राइसिंग है 3,500 लेकिन यू विल गेट बोथ ऑफ दिस कोर्सेज फॉर फ्री, जहाँ पर मैंने बताया कि अगर आपको वर्डप्रेस बनाना है, आपको वेबसाइट बिल्डर पे नहीं जाना है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट थ्रू वर्डप्रेस कुछ इस तरह का ब्लॉग यूजिंग फ्री थीम्स, फ्री सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर रहेगा अच्छे से,
तो वो अगर आपको जानना है तो यू कैन गो फॉर दिस वन लाइटनिंग ब्लॉग्स। इसमें भी मैंने सारी चीज़ें आपको वर्डप्रेस रिलेटेड बताई है, दोनों आपको फ्री में मिल जाएंगे। कैसे लेना है मैंने नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करना है, एंड देन रिसीट आपको मुझे मेल कर देनी है hello@kripeshadwani.com पर, उसमें सब्जेक्ट में लिखना है ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लस फ्री कोर्स, तो ये आपको दोनों चीज़ें फ्री में मिल जाएगी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि होस्टिंगर ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो मेरी खुद की ओपिनियंस है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे तो आई विल गेट अ स्मॉल कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं, तो यू कैन सपोर्ट मी बाई यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। अब हम लोग बात करते हैं इसके एक और खास फीचर के बारे में, वो है AI वेबसाइट बिल्डर। यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया मार्बल जेम्स, ये मेरी वेबसाइट का नाम होगा। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे टाइल्स और मार्बल्स में डील करते हैं और वगैरह वगैरह। एंड देन इसके बाद किस तरह की मुझे वेबसाइट चाहिए, मैंने कहा पोर्टफोलियो चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन स्टोर चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट दैट पोर्टफोलियो एंड देन क्रिएट अ वेबसाइट, एंड ये आपके लिए AI के थ्रू वेबसाइट यहाँ पर बना के दे देगा। ये यहाँ पर अप्रोक्सेस ने 2 मिनट सब एनालाइज करने के बाद मुझे रिजल्ट दे दिया है। मार्बल जेम्स ये आ गया है होम पेज, ये एक पेज है। यहाँ पर इसने एक इमेज दे दी है, देन ठीक है लिविंग रूम्स और किचन। तो इमेजेस इसकी वैसे ज़्यादातर यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, बट ठीक है। ये यहाँ पर इसने मुझे एक वेबसाइट दी है, वैसे यहाँ पर इसने दूसरी टेम्पलेट मुझे जनरेट करके दी है कुछ इस तरीके से। आई कैन यूज़ दिस वन और आई कैन यूज़ दिस थर्ड वन, ये भी उसने मुझे जनरेट करके दिए। मेरे हिसाब से थर्ड वन ज़्यादा बेटर है फॉर बिजनेस शोकेस एंड देन स्टाइल्स। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरह का हमें फॉन्ट चाहिए। इफ़ आई वांट टू चेंज दैट आई कैन डू दैट फ्रॉम हियर, और यहाँ पर कलर पैलेट भी है इफ़ आई वांट टू चेंज इट। उसके बाद जो भी मुझे यहाँ पे सिलेक्ट जो भी टेम्पलेट अच्छी लग रही है आई जस्ट क्लिक कंटिन्यू, देन ये एडिटर में आ जाएगा जिसको हम लोग इजीली एडिट कर सकते हैं। ओवरऑल इसका AI बिल्डर मुझे ठीक ठाक ही लगा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ इसने एडवांस करके नहीं दिया है। बेटर है कि एट प्रेजेंट टेम्पलेट्स की तरफ जाओ, हो सकता है फ्यूचर में ये बेटर हो जाए। अब कुछ प्रोस के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको वेबसाइट बिल्डर और वेब होस्टिंग दोनों मिल जाता है। मीन्स यहाँ पर आप लोग वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हो और वेबसाइट बिल्डर भी रन कर सकते हो। दूसरे वेबसाइट बिल्डर्स में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर है। अफोर्डेबल है, UPI पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर, इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करके खरीद सकते हो। स्पीड्स मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, CDN का यहाँ पर यूज़ किया गया है, सिक्योरिटी इसकी अच्छी है। AI टूल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, बिगनर्स के लिए काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है ये, और जो इनका टेम्पलेट कलेक्शन है वो भी अच्छा है, और AI वेबसाइट बिल्डर भी है यहाँ पर। कुछ कौन से बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे सर्च बार नहीं लगा सकते हो, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मैं ब्लॉग पे या फिर ई-कॉमर्स स्टोर के लिए सर्च बार एट प्रेजेंट नहीं लगा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवांस एलिमेंट्स नहीं है, तो एलिमेंट्स यहाँ पे थोड़े लिमिटेड है, और कोई भी यहाँ पर फ्री प्लान नहीं है जैसे विक्स वीबली में आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको कोई फ्री प्लान नहीं देखने को मिलेगा। कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर बिगनर्स, या फिर अगर आपका बजट कम है तो यू कैन गो विद दिस वन। पहली बार वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट इजी टू यूज़ वेबसाइट बिल्डर चाहिए, बेसिक वेबसाइट बनानी है, बेसिक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, कंसल्टेंसी की वेबसाइट बनानी है, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। क्योंकि एक तो इसका प्राइस कम है, UPI पेमेंट पे ऑप्शन है इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, एंड काफ़ी ईजी टू यूज़ है, और स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो CDN भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑल ओवर द ग्लोब काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है, और बाद में चाहो तो इसी प्लान पर आप लोग वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपको किसी और वेबसाइट बिल्डर में देखने को मिलेगी। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्सअप दे दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। Goodbye.